वीडियो में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सोचो क्या होगा। सोचो ना क्या होगा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम अपने छत पे आ चुके हैं, आज ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले आप भैया को ईद मुबारक। और दोस्तों आज हमारा ये छोटा भाई है, आज हमने इसके लिए सरप्राइज़ देना है। तो चलें दोस्तों बिना टाइम दिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारी छत पर एक कबूतर आया हुआ था, तो अभी यहाँ पर रोड है उस समय जो आपको खम्मा नज़र आ रहे हैं फ्रेंड, वहाँ पर अभी जो उधर जाकर बैठे। ये वो हवा बहुत तेज़ थी, अभी वो कभी उड़ते फ्रेंड हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर यकीन करें आप ये देख सकते हैं दरख्त को, सही उड़ नहीं सकते और बाद वीडियो वो भी गिर रहे हैं। तो अभी वहाँ पर जाकर अभी बैठ गए, किसी का बाघ क्या आया हुआ था। तो अभी इस मौसम में तो हम अपने कबूतरों को बाहर नहीं खोल सकते, जैसी हवा हल्की हुई तो हम अपने कबूतरों को खोलेंगे, इस कबूतरों को पकड़ लेंगे अगर आ गया तो, क्योंकि अभी हवा तेज़ थी तो हमने वहाँ से चला गया था। दोस्तों ये हमारी गेट आ गई, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी होगी। अभी पहले बीमार हुई हुई थी तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये अभी अंदर जाने को कही है। चलिए इसको अभी इधर ही होती है, अंदर ही होती है। तो चलिए अभी इसको अंदर में बंद कर लेता हूँ, अभी ये अंदर चली गई। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस पर जा रही है इसकी। इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़, सोचो क्या होगा। सोचो ना क्या होगा। बाढ़ रिलेटेड एक चीज़ लाई हुई आज तुम्हारे लिए। देखो तुमने मुझे बहुत बार बोले कि वो लाओ लाओ लाओ, आज हम सेटअप पर ले आए हैं, सोचो क्या होगा। नहीं पता। चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ सरप्राइज। वो देखो क्या है, ये मुर्गा। ये कब लेके आए? ये आज ही लेकर आए फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के लिए इसके लिए सरप्राइज लेकर आए थे। यकीन करें फ्रेंड ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो मुर्गी थी जिस जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, तो ये मुर्गा इस फीमेल के साथ नहीं था। तो आज हम मुर्गा लेकर आ गए, यही बोल रहा था कि भाई मुर्गा लाओ लाओ लाओ, तो आज हम ले आए हैं मुर्गा, ले आए हैं यहाँ पर। तो अभी इसको हमने यहाँ पर रखे हुए, क्योंकि फ्रेंड वो जिधर आपको मैंने अभी कैट बताई थी उधर हमने कैट को रखा हुए, तो वो फीमेल ये कैट भी थोड़े दिन तक बच्चे वगैरह दे देगी, तो इस वजह से हमने उसको उधर रखा हुआ है और मुर्गों को यहाँ पर इधर रखा हुआ है, क्योंकि ये जगह भी थोड़ी गर्म थी। अभी आपने मौसम वगैरह देखा ही है, ख़राब हुए हुए मौसम वगैरह। तो ये सरप्राइज़, ये तो ये सरप्राइज़ था तुम्हारे लिए आज इस वीडियो में। तो कैसा लगा सरप्राइज़ आपको? बहुत अच्छा लगा, लकी पिजन लेकर आओ। लकी पिजन लेकर आएंगे फ्रेंड इंशाल्लाह। लकी पिजन का बोल भाई बोल रहे थे कि भाई लकी पिजन लेकर आओ आओ आओ, तो अभी इसने बोल दिया, तो इंशाल्लाह हम लकी पिजन लेकर आएंगे इंशाल्लाह अपने सेटअप पर। तो ये देखें फ्रेंड, ये अभी अंदर हमने इसको बंद किए हुए अपनी कैट को। तो यहाँ पर भी फ्रेंड बहुत बड़ी जगह है, बहुत से भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर डॉग वगैरह ला के रखो, यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो यहाँ पर आप सब बर्ड्स मिक्स करके रखो, कॉकटेल वगैरह और ये सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स आप पहले, जैसा कि आपको पता कि रमज़ान था, रमज़ान में बंदे से इतना काम वगैरह नहीं होता, तो अब इंशाल्लाह रमज़ान वगैरह ख़त्म हो गए, अब इंशाल्लाह हम कॉलोनी की जो कि बनी हुई है यहाँ पर इसको पूरा अच्छी तरह से इसको करके बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम तमाम चीज़ें ला कर रखेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें यहाँ पर फ्रेंड। अब जैसा कि आगे देख सकते हैं पीछे बड़ी कॉलोनी बनी हुई है, तो अब जैसे कि आगे गर्मियाँ वगैरह यहाँ पर हमने खिड़की वगैरह भी रख ली थी उस टाइम, तो अब यहाँ जब गर्मी वगैरह होंगी तो अगर आप सर्दियों वगैरह सोरी दे रहे हो यहाँ से आगे इसको बंद कर लेंगे, तो ये खिड़की वगैरह जो हमने लगाई हुई थी यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारे जो बर्ड्स होंगे वो खुशी खुशी से यहाँ पर रहेंगे, अच्छी ब्रीडिंग वगैरह करेंगे। तो ये कॉलोनी जैसा कि आपने भी देखी है 5-6 से काफ़ी बड़ी है, एक कमरे का एक हिसाब है इसका। तो इंशाल्लाह फ्रेंड यहाँ पर हम सब चीज़ें मिक्स ला के रखेंगे, अपने कबूतरों वगैरह को भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे यहाँ पर मास्टर केज बनाएंगे हम, उसमें तमाम चीज़ें चिड़िया वगैरह ला के रखेंगे इंशाल्लाह। जो आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो वैसे थी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें कमेंट करें। तब तक इजाज़त दीजिएगा, फिर मान लीजिएगा।